हार गए तो पूरा ताना मिलने लगा अब इंटरनेशनल खेल के आया तो अंदर पहले राउंड हार गया अरे तर इस तरह तो से हीरोबाजी करता है मैच हार गया तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगा फिर जाके होटल में बहुत रोए चौथा स्टेट था और तो मेरा पैर टूट गया मेरा नेशनल कोलकाता में था तो कि इतना मेहनत से नेशनल खेले तो क्यों छोड़ना पैर टूटा तब भी हम नेशनल कोलकाता खेलने चले गए लोकल डॉक्टर बोला कि अब तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा अब तुम कराटे नहीं खेल सकते हो नमस्कार मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी और मैं एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कराटे विजेता खिलाड़ी हूँ और मैं अभी वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मेरा घर जम्मू जिला के एक छोटे से गाँव तुम्बा पहाड़ में है और मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जो एक मध्यवर्गीय परिवार है जिसका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है मम्मी बीड़ी बना के घर पालती थी और उसके बाद पापा के पास कोई रोजगार नहीं था तो यदि हम लोग गलती से स्कूल से भाग के खेलने चले जाते थे और यदि पापा को नज़र पड़े कि खेलने चले गए तो बहुत पीड़ते थे और कोई बचाने वाला भी नहीं आता था जब नाइन्थ में चले गए तो टेंथ तो बोर्ड होता था हम लोग का टेंथ तो पढ़ाई करना पड़ता था अच्छा से तो फिर जब वो नाइन्थ में ट्यूशन दे दिया ट्यूशन देने के बाद सुबह घर से सात बजे निकल जाते थे साइकिल से सुबह साइकिल से जाते थे सात बजे आठ से नौ क्लास फिर नौ से तीन स्कूल फिर स्कूल से वापस घर आते थे शाम हो जाता था मतलब खेल कूद का तो वक्त ख़त्म फिर उसी तरह मन लगता था तो जब छुट्टी होता था तो पापा बोलते थे पापा हम लोग को ये मुहर्रम आ रहा है बाकी इदारा हम लोग मामा कर जाना चाहते हैं ताकि हम लोग वहाँ कुछ मुहर्रम में कुछ सीख सके ताकि इस बाना से वहाँ जाकर खेल सके एलेवन ट्वेल्थ गाँव से, से किए ट्वेल्थ में फर्स्ट डिवीज़न किए तो फर्स्ट डिवीज़न किए तो सारा दोस्त बोला कि हम लोग बी टेक करेंगे तुम क्या करेगा अब बोले भाई हम भी बी टेक करेंगे तुम लोग कर रहे हो तो। और पापा तो उतना अच्छा था नहीं मम्मी वीडियो बनाती थी पापा का पाँच से सात हज़ार पेमेंट था तो पापा बोले कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा तुम यदि चाहते हो तो पटना पढ़ने चले जाओ वहाँ का तुम्हारा खर्चा उठा सकते हैं हम पहली बार घर से बाहर निकले दो हज़ार चौदह में क्लास करने के बाद जब वो सेल्फ हटरी टाइम बच गया तो अब क्या करें तो बगल वाले दोस्त लोग जो था उसमें मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था तो बगल वाले दोस्त से अगर मूवी वगैरह देखते थे मूवी वगैरह देखते थे कि भाई दिखाओ कम से कम तो बोलता था कि लो एक घंटा के लिए फोन देते फिर दे देना तो उसी समय मूवी देखने में जब अक्षय कुमार सर कभी देखते थे अजय देवगन का उस समय ये लोग हीट हीरो थे तो उनका एक्शन देखते थे तो मन करता था कि हम भी कराटे सीखे और तब वो पटना में एक दिन चलते चलते गांधी मैदान की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट अशोक राजपथ में तो वहाँ पे हम गए सर को बोले कि सर हमको कराटे सीखना है तो बोला कि ठीक है सीखो तो बोला कि मंथली सात सौ रुपया है और एडमिशन फी पाँच सौ रुपया है बोला सर इतना पैसा हमारे पास नहीं है हम स्टूडेंट हम पाँच सौ ही दे सकते हैं तो बोला लाए पैसा पाँच सौ सर लाए तो नहीं है रूम पर है आप बोलिएगा तो ले आएंगे बोला ठीक है ले आओ रूम से गए पैसा लेके एडमिशन ले लिए अब कराटे में बहुत ज़्यादा रुचि होने लगा एक वक्त आया 2015 से जब कराटे शुरू किए तो फरवरी में एक मैच था तो मैच में तो सर बोले कि तुम अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम ट्राई करो मैच खेल सकते बोले सर एक तो सर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते मंथली मैच का फ़ीस कहाँ से भरेंगे बोला कि तुम फी नहीं दो खेल लो और सिल्वर जीते ये सब घर में पता नहीं था कि हम कराटे कर रहे हैं फिर बहुत मुश्किल से करने लगे कराटे बहुत टफ होने लगा मैनेज करना क्योंकि घर से तीन हज़ार रुपये ही आता था एक मैच आया अप्रैल दो पंद्रह में स्टेट सिलेक्शन मैच था ये ऑफिशियल मैच था सर बोले यदि इसमें जीतते हो तो थोड़ा हेल्प मिलेगा तो हम उससे पार्टिसिपेट किए और उसमें गोल्ड जीते ये मेरा स्टेट का पहला गोल्ड था और गोल्ड जीतने के बाद मेरा सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ दिल्ली गए तो और बड़ा शहर था जब दिल्ली जाने के बाद जब स्टेडियम गए तो फुल्ली चिल्ड ए सी था उन्होंने कभी ए सी का नाम भी नहीं सुना था तो पूरा मतलब स्टेडियम में गए पूरा ठंडा लगने लगा काँपने लगे कि कहाँ आ गए फिर जब ट्रैक सूट मिलता था ट्रैक सूट लिए ट्रैक सूट पहने फिर जब मेरा तीसरा दिन मैच था तो हम दो दिन बहुत डर गए थे क्योंकि उसमें पूरे भारत के सभी स्टेट से अपना अपना हीरो आता है जो चैंपियन है जो स्टेट चैंपियन है सब आते हैं आने के बाद जब वहाँ मैच खेले तो बहुत डर रहे थे क्योंकि हम पहली बार खेले गए सर तो सर को बोले सर तो हमको बहुत डर लग रहा है तो बोला बताओ जब तुम तीन दिन से मैच खेल रहे हो तो कोई मरा है यहाँ या किसी का पैर टूटा है किसी का हाथ टूटा है बोल नहीं सर तो फिर क्यों डर रहे हो जाओ अच्छे से खेलो और पहला राउंड खेले हम हार गए हार गए तो फिर वापस बहुत मुश्किल से घर आए मतलब अपना पटना आए पढ़ाई करने के लिए घर में तो पता नहीं किसी को फिर पटना आने के बाद फिर खेलने लगे खेलने लगे फिर लास्ट वह बहुत सारा मैच पंद्रह में खेले ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जीते हारे उसके बाद फिर दो हज़ार के दिसंबर में फिर स्टेट सेलेक्शन से से मैच था फिर उसमें गोल्ड जीते ये मेरा दूसरा गोल्ड हो गया ऑफिशियल इसके लिए हमको नेशनल खेलने के लिए केरला जाना था केरल जाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा फिर तो हम केरल नहीं जा पाए बहुत अफसोस हुआ नहीं जा पाए केरल फिर 2016 में मैच खेले जीते हारे बहुत सारे मैच खेले फिर दूसरा दिसंबर 2016 में फिर स्टेट में गोल्ड जीते स्टेट में गोल जीते ये मेरा तीसरा स्टेट चैंपियन हो गया तो उस समय मतलब बिहारी नाम सुनते ही बोलते थे कि अरे तुम पहला राउंड बिहार से है ऐसे निकल जाएगा जी से डरना नहीं है बिहार से है तो, तो हम लोग को भी बहुत अजीब लगता था उसमें एम वगैरह का पूरा दबदबा रहता था एम हरियाणा दिल्ली हम लोग अच्छा खेलते खेलते जब फिर वक्त आया दो में जब मेरा मैच था नेशनल मैच था दिल्ली के तालकोटोला स्टेडियम में मई में मई में जब हम मैच खेले मैच खेलने पर तो मेरा वहाँ सिल्वर लगा चार राउंड जीतने के बाद ये मेरा पहला नेशनल मेडल था पूरा आँख फूट गया था सिल्वर जीते तो वहाँ दिल्ली जाने के लिए खर्चा कहाँ से मिलेगा जो सांसद थे पप्पू यादव उन्होंने बोला कि मतलब किसी के माध्यम से उनके पास पहुँचे हम वहाँ जाने के बाद उन्होंने स्पॉन्सर किया बोला कि तुमको दिल्ली में टेंशन नहीं है तुम मेरे आवास पे रहना उस समय वो सांसद थे उनके आवास पे रहना खाना होता था वहीं से खेलने जाते थे और सिल्वर जीते सिल्वर जीत के जब वापस पटना आए तो न्यूज छपा नीचा पास घर वाले जान गए कि ये तो पटना में क्या, क्या क्या कर रहा है करने के बाद फिर बहुत गाली गलोज करने लगा पापा के तुमको गाँव में ही समझाए उसके बाद ही तुम वही बायती कर रहे हो पटना में भी जाके बातचीत करना छोड़ दी पापा लोग बोला तुमको जो मन जी करो फिर जब वो वापस दिल्ली से खेल के आए तो सर ने अनाउंसमेंट किया कि अब जावेद नेशनल मेडलिस्ट है इसका कलम में कोई फ़ी नहीं लगेगा और जहाँ तक नेशनल खेलेगा इसका सारा खर्च इंस्टीट्यूट उठाएगी अब एक सहारा मिल गया उसके बाद फिर दो हज़ार में जब सिल्वर जीते थे तो फिर दो महीना बाद कॉल आता है फेडरेशन से कि तुम्हारा सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल के लिए हुआ है इंटरनेशनल खेलने के लिए मेरा पहला मैच श्रीलंका जाना था श्रीलंका जाना था तो अजीब से लग रहा था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा और जाने में लगभग एक लाख रुपये तो खर्च था तो पापा को बोलते थे उसने पापा का सैलरी भी एक लाख नहीं था पूरे साल मिला के तब पापा को बोलने सकते थे उसके बाद फिर किसी तरह सर को बोले सर कि किसी तरह कीजिए तो उसे मेरे पास इंटरनेशनल किट भी नहीं था इंटरनेशनल खेलने के लिए इंटरनेशनल किट चाहिए दूसरी जगह की ड्रेस मांग के श्रीलंका खेलने के का जिसमें मेरा कोच का बहुत अहम भूमिका था पंकज सर नाम है उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया कोलम्बो गए वहाँ तो मेरा वेट कम हो गया डर से वेट कम हो गया तो फिर अब क्या करें उसके बाद फिर वहाँ श्रीलंका में केला जो के से मिलता है हम लोगों ने बहुत मुश्किल से गया उसमें मेरा पढ़ाई लिखा अच्छी नहीं था इंग्लिश भी अच्छा से नहीं आता था दोस्त लेके गए उन्होंने बोले भाई तुम्हें दिला दो जो देना है क्योंकि हमको तो आता नहीं है फिर हम लोग दो के केला खाया बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ अपना वेट पूरा किए क्योंकि वेट पूरा करना था ना तो नहीं खेल पाइएगा आप मुश्किल से वेट पूरा किए और खेले और सिल्वर जीते वो मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल था जीतने के बाद तो पहचान मिल गया अपने सरकराटे में और बाकी लोग जानने लगे न्यूज़ कवरेज हुआ तो पापा लोग भी थोड़ा खुश होने लगे कि श्रीलंका में जीता है तो अब बहुत सारे लोग जानने लगे पापा पर कि जावीर का पापा है छुट्टी में जब गांव जाते थे तो गांव में लगता था कि जो बाहर खेल रहा था बहुत पैसा वाला होगा ये तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी करता था मेरे घर से कोई भी छोटा भी मसला होता था तो बहुत बड़ा बना देता था ताकि ये लोग बहुत परेशान रहे सिल्वर जीतने के बाद फिर हम दिल्ली खेलने गए और वहाँ पे मैच हार गए थे एक बार नेशनल में था तो हार गए तो पूरा ताना मिलने लगा कि चला अब इंटरनेशनल खेल के आया तुरंत पहले राउंड हार गया वो तो ज़्यादा तबियत ख़राब था तो हार जाने के बाद उन्होंने बोला कि यार इस तैसे हीरो करता है मैच हार गया तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगा फिर जाके होटल में बहुत रोए रोने के बाद फिर दोस्त चुप कराया बोला कि अरे एक मैच हारने से क्या होगा कुछ नहीं होगा फिर 2017 दिसंबर में मैच खेले तो मैच खेलने के बाद फिर स्टेट में गोल जीते उसमें जीतने पर मेरा चौथा स्टेट था और मेरा पैर टूट गया मेरा नेशनल कोलकाता में था सोचा तो कि इतना मेहनत से नेशनल खेले तो क्यों छोड़ना पैर टूटा तभी हम नेशनल कोलकाता खेलने चले गए कोलकाता जब खेलने गए तो वहाँ पहले ही राउंड हार गए और ताना मिलने लगा कि पूरा ये वो पूरा डिमोटिवेट करने लगा कि हीरो बनता है ऐसा करता है वैसा करता है तो मतलब उसमें थोड़ा कोच भी नाराज़ हो गए कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अब अच्छा नहीं है कोलकाता से आते वक्त मेरा झाझा पड़ता है रेलवे स्टेशन तो वहाँ उतर के हम गाँव चले गए जब गाँव चले गए तो गाँव गाँव चले गए फिर रेस्ट करने लगे पैर का इलाज करवाने लगे तो लोकल डॉक्टर बोला कि अब तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा अब तुम कराटे नहीं खेल सकते हो बहुत डर गए और मम्मी लोग पापा लोग भी ताना देने लगे कि तुमको बोलते थे नहीं खेलो अब कैसे होगा उसके बाद फिर एक महीना बाद कॉल आता है हमको फेडरेशन से ये जो दो हज़ार आ जाता है तो दो में एशियन गेम्स होता है इंडोनेशिया जकार्ता में तो जकार्ता के लिए बोलता कि इंडियन मतलब टीम का सिलेक्शन होता है कराटे का तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन होता है हम बिहार के पहला खिलाड़ी होते हैं पुरुष में बाकी तीन लड़की होती है तो सब लोग का मुंह बंद हो गया कि अरे ये, ये तो बार बार हार रहा पता नहीं सो इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे मिल गया एशियन गेम्स के लिए जाने के बाद वहाँ एक महीना प्रैक्टिस किया सुबह शाम प्रैक्टिस होता था प्रैक्टिस के बाद चले जाते थे फिजियोथेरेपी के पास और वहाँ पैर का इलाज कराते थे फिर खेलते फिर शाम में इसी तरह सुबह शाम चलते रहा लास्ट में, में मेरा टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाए पर हम खुश थे कि ये एक अचीवमेंट है कम से कम जो मोटिवेट होने के लिए ताकि लोग को लगे कि नहीं मतलब मेरा अचीवमेंट ख़राब नहीं है मेरा कोच दिन दिल्ली में थे तो उन्होंने फ़ोन किया कि जा तुम कहाँ आओ हम बोले सर हम घर पे हैं तो बोला कि तुम दिल्ली आए गए तुम्हारा पैर का इलाज करवा देते हम बहुत खुश हो गए पैर ठीक करा के वापस घर आए घर आके फिर सप्ताह रेस्ट किए घर पे उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने चले गए प्रैक्टिस करने के बाद फिर दो हज़ार में मेरा मैच होता है थाईलैंड में थाईलैंड हम जाते जुलाई में खेलने के लिए तो थाईलैंड जाने के लिए अब पैसा कहाँ से आए तो जो नेशनल में, में मेडल जीतता है उसको गवर्नमेंट सम्मानित करती है तो उसमें हमको पचास हज़ार मिलने वाला था तो हम उस पैसे से कर्ज ले लिए सबसे भाई हमको पचास हज़ार मिलेगा हम आएगा तो हम सबको दे देंगे कर्ज़ ले लिया बहुत सारा कोच भी हेल्प किए और मैच खेलने थाईलैंड गए थाईलैंड में अच्छा परफॉर्मेंस किए एक स्कोर से हार गए लेकिन कोच बहुत खुश थे कि अच्छा खेल रहे हो जो अठारह में उनतीस अगस्त को मेरा नाम नॉमिनेट होता है खेल सम्मान के लिए तो खेल सम्मान मिला तो प, मम्मी पापा कोच को बुलाए सबको अवार्ड लिए फिर बहुत खुश हुए पापा लोग अब उसके बाद सपोर्ट करने लगे उसके बाद फिर नवंबर के बाद फिर दिसंबर में मेरा मैच था चाइना में हमको चाइना जाना था खेलने के लिए फिर पैसा कहाँ आया सपोर्ट तो मिलता नहीं था तो फिर न्यूज एटीन वाले को बोले कि सर देखिए हम एक अस्टेट मतलब नेशनल मेडलिस्ट मेर्लीश, स्टेट लिस्ट है और गवर्नमेंट हमको सम्मानित भी की है उसके बाद भी सर ऐसा भटकना पड़ता है उन्होंने खबर चला दी है कि राष्ट्रीय खिलाड़ी और सम्मानित खिलाड़ी को नहीं मिल रहा है मदद तो बहुत सारे नेता लोग फ़ोन करने लगे हम करेंगे हम करेंगे तो मेरा पैसा हो गया हम चाइना खेलने गए चाइना खेलने के बाद जब गए तो वहाँ चाइना में ये दिक्कत है कि वो इंग्लिश में बात नहीं करते लोग आपको चाइनीज में ही बात करना पड़ेगा अब हम लोग को स्टेडियम जाना एकदम तो पागल होगा स्टेडियम जाना कैसे फिर तो होटल जाना मुश्किल था फिर बहुत मुश्किल से जो वहाँ के चाइना में जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं बाहरी देश से जैसे यू हो गया इंडिया हो गया तो उन लोग से पूछ के बहुत मुश्किल से होटल गए होटल में रुके उसके बाद स्टेडियम जाना था नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे मैच था फिर वहाँ जो बाहरी स्टूडेंट था उसको बोले तो उन्होंने टैक्सी वाले को चाइनीज में कन्वर्ट करके बताया बताने के बाद उन्होंने जब स्टेडियम ले गया हमको तो मेरा वहाँ तीस सेकेंड बचा था मेरा कॉलिंग हो रहा था जावे इंडिया वन टू थ्री काउंट हो रहा था तो तीसरे करने बहुत मुश्किल से ड्रेस वेस पहन रिंग में गए तो ऐसे ही पहले राउंड हार गए क्योंकि मतलब कुछ नहीं था तैयारी कुछ हुआ ही नहीं था मतलब एक तो वहाँ इतना ठंड था कि आइस गिर रहा था संघाई में तो फिर वह मैच हार गए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा फिर वापस 2018 में लास्ट मैच था वो आ गए वापस पटना आए फिर प्रैक्टिस करने लगे 2019 हज़ार से मार्च में फिर स्टेट सिलेक्शन होता है फिर गोल्ड जीतते हैं तो ये मेरा पाँचवा कंटिन्यू गोल्ड हो गया था एक रिकॉर्ड बन जाता है कि लगातार पाँच बार गोल्ड जीते अपने कैटेगरी में फिर मेरा सिलेक्शन होता है नेशनल के लिए जो कि जून में होता है होने के बाद हम उससे पहले मेरा एक मैच था तुर्की में तुर्की खेलने गए तो जो मेरा कैटेगरी है पचहत्तर किलोग्राम उसमें उनहत्तर देश के एक खिलाड़ी खेल रहे थे जिसमें मेरा तेरहवां स्थान लगा था मेरे लिए बहुत बड़ा तो अच्छा अचीवमेंट था वहाँ से खेल के आए और जस्ट मेरा नेशनल मैच था अच्छा परफॉर्मेंस रहा नेशनल में मेडल जीते तो मेरा नेशनल में लगा दूसरा मेडल हो गया मेडल जीतने के बाद जब हम तुर्की में थे तो घर से फ़ोन आया कि मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस है नहीं बचेगी मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस है फिर वहाँ बहुत मुश्किल से आए दिल्ली दिल्ली से फिर मैच खेले मैच खेले जब घर आया तो मम्मी बोले क्या हुआ तो बहुत रोने लग रही थी डॉक्टर बोला कि इनको कैंसर हो गया हम लोग बस उतना पैसा नहीं कि इलाज करा सके तो बहुत मुश्किल से पता कि कहाँ ले जाना है तो कोई बोला दिल्ली एम्स ले जाओ कोई बोला पी ले जाओ तो फिर लास्ट में भैया थे वो बोला कि भाई देखो तुम तमिलनाडु ले जाओ मम्मी को सी एम सी अच्छा इलाज होता है और कम पैसे में होता है हम लोग मम्मी को डायरेक्ट वहीं ले चला गए वहाँ ले चला गया और वहाँ नंबर पंद्रह दिन के बाद आता है मम्मी बहुत सीरियस फिर जाके काउंटर पे बोले सर हमें खिलाड़ी है मम्मी बहुत सीरियस हो गया तो बहुत रिक्वेस्ट किए तो उसी दिन हमको अपॉइंटमेंट मिल गया डॉक्टर से और दो दिन के बाद ऑपरेशन था मम्मी का ऑपरेशन हो गया और हम लोग मतलब मम्मी का इतना बड़ा मतलब बीमारी हो गया थे कि हम लोग को नब्बे दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा तीन महीना हम बहन और मम्मी तीन तीन ही लोग थे नब्बे दिन हॉस्पिटल में रहे और अब घर से पैसा नहीं आने लगा कि था ना पापा कुछ पैसा तो जेवर बेच रहे हैं ज़मीन बेच रहे हैं इलाज करा के वापस मम्मी को घर लाए घर लाए तो उसके बाद तो पूरा प्रैक्टिस तो मन नहीं उठ गया प्रैक्टिस नहीं होने लगा फिर बहुत मुश्किल से जब घर आया तो फिर प्रैक्टिस करने जब गए तो प्रैक्टिस करने गए तो मेरा मैच था जनवरी दो में वो मैच था ईस्ट इंडिया वो पहला मैच हो रहा था ईस्ट में इतना तनाव में था कि बहुत बॉडी उतना एक्टिव नहीं था खेल के प्रति तो वहाँ पे बरावने लगा बरावने लगा जीते और गांव चले गए गांव चले गए तो घर पे थे तो एक महीना घर पे रहे और लॉकडाउन लग गया दो हज़ार बीस में लॉकडाउन लगने के बाद अब तो अब क्या करें तो करियर अब थोड़ा ट्रैक पे चढ़ा था फिर डाउन हो गया पूरा लॉकडाउन लग गया फिर घर में अब गांव में क्या करने लगे तो कि सुबह प्रैक्टिस जाते थे तो गाँव के बच्चे लोग भी आ जाते थे तो उनको ही प्रैक्टिस कराते थे तो प्रैक्टिस कराते कराते धीरे धीरे फिर मन उबने लगा कराटे से फिर क्रिकेट की के तरफ चले गए गाँव में लोग क्रिकेट खेलता था क्रिकेट खेलने लगे दिन भर क्रिकेट खेलना गाँव वाले लोग से बनता नहीं था क्योंकि हम लोग थोड़ा अलग हम लोग को नहीं चाहता क्योंकि हम लोग गाँव में जाते थे हाफ़ पैंट पहनते थे तो वह बोलते थे कि यार ये मुसलमान थोड़ी है ये सब हाफ़ पैंट पहनता है वो मतलब ताना वाला बात बोलते थे हम लोग स्पोर्ट्समैन थे तो ये सब से फ़र्क नहीं पड़ता था जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहाँ विवाद हो जाता है फील्ड में विवाद होता है तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है लड़ाई झगड़ा होने के बाद ये दो जून का बात है लड़ाई होता है तो फिर मारा पीटी होता थोड़ा बहुत और वहाँ से हम लोग घर चले जाते वो लोग भी घर चले आता है तो गाँव का मन सबसे पहले था कि इन लोग को मारना है तो लगभग डेढ़ सौ से दो लोग मतलब संख्या में घर पर हमला कर दिया हमला जो कि सारा मुस्लिम ही लोग है ऐसा नहीं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम है सारा लोग हमला कर दिया घर पे इतना ईटा पत्थर चलाया कि आवाज़ वगैरह सब टूट गया बाद हम लोग घर से भाग गए आठ महीना गांव नहीं गए दो हज़ार इक्कीस में इतना मेंटल प्रेशर था फिर बहुत मुश्किल से जब हम लोग वहाँ से निकले निकलने के बाद एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल रिजेक्ट कर दिया और पूरा फैमिली का नाम दे दिया मम्मी पापा सब कोई घर में डर से नहीं रह रहा है तो फिर बहुत मुश्किल से हम लोग का हाई कोर्ट से बेल मिला हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद उससे पहले मेरा एक मैच था सितंबर दो में इतना मेंटली प्रेशर में था कि बहुत मुश्किल था वो मेरा छठा स्टेट चैम्पियन था और गोल्ड जीते तो गोल तो जीत गए लेकिन बहुत डिप्रेशन में थे गोल्ड जीतने के बाद फिर उसमें फिर कोविड आ गया था दो हज़ार बाईस इक्कीस में लास्ट में तो हम लोग नेशनल नहीं हो पाया तो उन्होंने पूरा अपना पावर लगा दिया कि इनको अरेस्ट करवाना है ताकि गांव में ये आगे नहीं बढ़ पाए फिर उसके बाद धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ सिचुएशन चेंज हुआ गांव के लोग मेरे पक्ष में आए वक्त आता है दो हज़ार दिसंबर में हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो वहाँ इंटर कॉलेज मैच होता है इंटर कॉलेज मैच होता है तो हम कराटे प्लेयर तो कराटे खेलने के लिए कोशिश करने लगे तो बोला कि तुम्हारा गेम कराटे तो है ही नहीं यूनिवर्सिटी में तुम नहीं खेल सकते हो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कोशिश किए कि सर खेला दिए सर हमें ये खेलने के लिए ही यहाँ पे एडमिशन लिए हैं अब बोला कि नहीं नहीं हो सकता क्योंकि गेम है ही नहीं तुम्हारा फिर बहुत मुश्किल से जो भी साहब हैं डी एच डब्ल्यू डी मतलब जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला कि एक सर तो भेज सकते हैं यदि तुम लिख के दोगे कि इस टूर्नामेंट का सारा खर्च तुम अपने जाओगे तब तो भेज सकते हैं हम, हमने लिख दिया कि सर हम जाएंगे अपने खर्चे से क्योंकि मेरा पास उसमें कोई ऑप्शन नहीं था करियर डूब रहा था हमने रिक्स लिया रिक्स लेने के बाद हम गए खेलने के लिए कुरूक्षेत्र हरियाणा गए हरियाणा गए तो वहाँ पे एक सौ नब्बे यूनिवर्सिटी खेलने के लिए आई एक सौ नब्बे यूनिवर्सिटी पूरा यू लगने लगे भाई एक तो इतना मेंटल टॉर्चर था और मैच भी खेलना था तो वहाँ खेले और हम थर्ड प्लेस लगाए तो ये एक रिकॉर्ड है कि पटना यूनिवर्सिटी को लास्ट दस साल बाद कोई मेडल जीता है वो भी नेशनल लेवल पर तो पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल में ब्रांच लगा ये मतलब एक विश्वविद्यालय में पटना यूनिवर्सिटी का तीसरा स्थान लगा तो किसी लोग खुश हुए हैं बोला कि ठीक है अच्छा खेलो आगे मदद मिलेगा जब वहाँ हम नेशनल में ब्रांच जीते तो मेरा सिलेक्शन हो गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए तो उसमें भी कॉल यूनिवर्सिटी बहुत इग्नोर करने लगा नाम नहीं भेजने लगा बहुत दौड़ने लगे सर भेज दिए प्लीज़ सर अपने खर्चा चले जाएंगे फिर आप भेज दीजिए नाम नहीं भेजने लगा तो फिर लास्ट में वो नाम भेजने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का लेकिन उन्होंने फ़ोन ऑफ कर दिया फिर लास्ट में शाम में पाँच बजे रजिस्ट्रार साहब के पास गए तो उन्होंने नाम भेजा नाम भेजा और फिर गए खेलने के लिए बेंगलोर अब पैसा कहाँ से आएगा घर का भी सी अच्छा नहीं है तो बिहार खेल प्राधिकरण के हम गए बोले सर कि हम यूनिवर्सिटी में हैं हमको पैसा नहीं मिला तो उन्होंने हमको पैसा दिया टिकट वगैरह का और टिकट ट्रैक सूट दिया गए और हम चौथा आसान लगा हमको खेलो इंडिया में उदास हो गया कि मेडल नहीं लग पाया नहीं लग पाया फिर क्योंकि मेरे पास कोच नहीं था वहाँ कोच आ जाता तो हम वहाँ मेडल जीत सकते थे क्योंकि वहाँ स्कोर लेने के बाद रिव्यू का सिस्टम था तो रिव्यू सिर्फ कोच ही ले सकता है हमने स्कोर कर रहा है कोई रिव्यू लेने वाला है नहीं तो मैच हम हार गए जीता हुआ मैच हार गए फिर उसी तरह करते करते मई में मास खेल के आया और मेरा जून में इजिप्ट में मैच था और उन्होंने जो गांव वाले लोग थे वो तो चाह रहे थे कि इनका पासपोर्ट जब्त हो जाए ताकि ये कहीं बाहर नहीं खेल सके उसके बाद फिर उन्होंने बहुत कोशिश किया तो ऊपर वाला दया था कि कुछ नहीं हुआ नहीं हुआ तो हमने इजिप्ट खेलने गया वो थोड़ा पॉपुलर्िटी मिला इजिप्ट अच्छे से खेल के आए और खेलने के बाद फिर अगस्त में मेरा नाम सेलेक्ट हुआ नॉमिनेट हुआ बिहार सरकार से खेल सम्मान के लिए और खेल सम्मान मिला और अच्छा लगा खेल सम्मान मिला तो एक नई ऊर्जा मिला हमको कि चलो अब है कुछ मोटिवेशन के लिए तो हम खेले और फिर अभी आने वाला कमिंग मैच है यूनिवर्सिटी गेम्स इसकी तैयारी में लगे हैं फिर एशियन गेम्स से इसके लिए लगे हैं तैयारी करने के लिए मैं एक ऐसे गांव से हूं जहां बिजली आने में काफ़ी वक्त लग गया हम लोग दुनिया से जुड़े नहीं थे उसके बाद फिर ऐसे फैमिली से आते थे जो मम्मी बीड़ी बना के घर चलाती थी और ऐसे फैमिली से उठ नेशनल इंटरनेशनल खेलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम जैसे लोग के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि कभी सपना ही नहीं होता था कि हम लोग बाहर जाए और हमने विदेशों से भी खेल के आया जीत के आया तो आपके अंदर जो से आप कुछ भी कर सकते हैं इसने इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिल तो लेकिन नाम है जो स्टॉक बिहार तो जो स्टॉक बिहार का भाई बढ़िया से सब्सक्राइब और कर ले हो घंटा उंटा दबा दे हो कि नोटिफिकेशन आते रहे